अमीनुल कादरी एक बंदा है, वो बयान करता है कि मेरे पीर से पूछे बगैर चांद भी निकलता, चांद भी नहीं निकलता है, चाहे रमजान का चांद हो, ईद का चांद, और लोग माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे पीर की ताकत देखो, मेरी कुव्वत देखो, मेरे पीर की ताकत देखो, फरिश्ते को पकड़ लेते हैं, फरिश्ते को भी जो है इनके पीर पकड़ लेते हैं। हालांकि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, कब्रिस्तान में जो है सवाल जवाब के वक्त पीर साहब आ जाते हैं, वो बचा लेते हैं, वो नैया पार लगा देते हैं, बल्कि जो है महशर में आ जाते हैं और जन्नत में भी वो दाखिल करवा लेंगे। यहां देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा को नहीं बचा सके, अपनी बेटी, लाडली बेटी जो अपने दिल का कलेजे का टुकड़ा है, उससे आपने दुनिया में जीते जी आपने फरमाया था दुनिया में जो कुछ मांगना है मांग लो, आखिरत में मैं तेरा काम नहीं आ सकता। आखिरत में क्या काम आएगा? अमल काम आएगा। आप अमल कीजिए, दीन की तरफ आइए, इस्लाम की तरफ आइए, तो आपको निजात मिलेगी। ये पीरी फकीरी मुरीदी तो ये ज़कात के ताल्लुक से बयान कर रहा था कि ज़कात न देने वालों का बड़ा भयानक अंजाम है, हमें इस मसले को समझना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर हमारे माल में ज़कात फर्ज किया है तो इंसाफ के साथ, कोई अगर पूछने वाला नहीं, कोई डंडा लेकर के अबू बकर सिद्दीक की तरह हमें मारने वाला नहीं, कुव्वत के साथ अगर ज़कात लेने वाला नहीं है तो बड़ी आजमाइश हमारे लिए कि हम इंसाफ के साथ और अमानतदारी और दयानतदारी के साथ ज़कात देते हैं कि नहीं देते।